The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So immune system and how it works, कैसे काम करता है आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति और उस पर आप अगर चिंतित हैं, स्ट्रेस हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट इफेक्ट, स्ट्रेस, इलनेस एंड इम्यून सिस्टम। भाई साहब, इम्यून सिस्टम एक बहुत सारे सेल्स हैं आपके शरीर के अंदर, बिलियंस ऑफ सेल्स ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्लड, मतलब आपके खून में जा रहे सेल्स हैं जो खून के अंदर बाहर, टिश्यूज के अंदर बाहर जाके चेकिंग करते रहते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं, तुम ठीक हो, तुम लिवर, भाई साहब किडनी, भाई साहब लंग्स, ठीक हो तुम, सब ठीक है, हाँ। तो चौकीदार हैं आपके और फॉरेन बॉडी एंटीजेंस एंड बैक्टीरिया, वायरस, कैंसरस सेल्स को ढूंढते रहते हैं 24 घंटे दिन रात बिना छुट्टी बिना किसी पेमेंट के। और ये दो तरीके के होते हैं इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं। नंबर वन है आपके बी सेल्स, बी फॉर बॉम्बे वाले बी सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, बी फॉर बॉडी एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज आपके शरीर के अंदर जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको जल्दी से जल्दी पहचानने के लिए बनती हैं और जब वो जाके उसमें अटैच हो जाती है एंटीजन एंटीबॉडी तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सो एंटीबॉडी कैसे बनती है, एंटीबॉडी वो भी समझते हैं, वो बनती हैं दूसरे सेल्स के मदद से, टी सेल्स। तो हमारे पास शरीर में दो सेल्स हैं, टी सेल बी सेल, टी फॉर टाइगर बी फॉर बॉम्बे, व्हाटएवर। सो बी टी फॉर टाइगर, टी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्टेड सेल को लॉक कर देते हैं, उसको लॉक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसमें मदद करते हैं। और टी सेल्स में डायरेक्टली आपके इन्वेडर जो है बैक्टीरिया वायरस उसको उसको डिस्ट्रॉय करने की भी प्रॉपर्टी होती है। सो टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट जिसको कहते हैं और बी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों काम करते हैं। टी सेल क्या करते हैं, अगर उसको जैसी कोई मिलता है जिसको वो इन्वेडर बैक्टीरिया वायरस, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दे देते हैं बी सेल को कि देखो भाई ये क्या आया। तो बी सेल आपके डॉक्टर हुए, राइट, और टी सेल हुए कौन, जो बाहर काम कर रहे वो लोग हैं कि भी देखो ये क्या हुआ। और फिर अंदर जो साइंटिस्ट हैं बी सेल्स, उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ बनाई एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज वो जो डायरेक्ट जाएगी तो उसको मार देगी, ऐसे समथिंग लाइक वेम्पायर को मार देगी वो आपकी इंफ्रारेड वाली रेज, यूवी वाली बुलेट्स, सो यूवी बुलेट जाके उसको मार, वैसे ही आपके टी सेल्स बी सेल्स को देते हैं, बी सेल्स उनके एंटीबॉडीज बनाते हैं और फिर ब्लड में घुमा देते हैं थोड़े बहुत और फिर मेमोरी सेल बन जाते हैं। मेमोरी सेल क्या होता है कि पक्का नहीं होगा ना कि वही वाले बैक्टीरिया फिर आएंगे, वही वाला वायरस फिर आएगा कि नहीं आएगा, तो एक मेमोरी सेल बन के रह जाते हैं, वो मेमोरी सेल सोते रहते हैं और फिर जब भी वो वाला वायरस, वो वाला बैक्टीरिया वापस आया, वो मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और बी सेल को सिग्नल करते आया 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 आया, घपा घप घपा घप घपा घप घपा घप, फिर उसके बाद में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं और एंटीबॉडीज से ब्लड जो 10 दिनों बाद 5 दिनों बाद आना था अगर नया वायरस आता तो वो एक ही दिन में बनने लग जाते हैं घपा घप, और वो वायरस जो है उसको फैलने का मौका नहीं मिलता, उसको तुरंत हम खत्म कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी, दैट्स कॉल्ड कि एक बार बीमारी हो जाए, एक बार वायरस हो जाता है तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ बी सेल्स, बिकॉज ऑफ मेमोरी सेल्स, बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज। और टी सेल्स इसमें डायरेक्ट जाके उसको मारने का काम करते हैं। बैक्टीरिया वाले केसेस में भी टी सेल्स पहले काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, मारने वाला आर्मी वाले काम करते हैं, घबा घब जाके मारते हैं। सो टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन योर इम्यून सिस्टम, टी सेल्स बी सेल्स, और उसी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, और उसके साथ होते हैं फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, टी सेल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लीजिए जिस तरह से हमारे बाहर ग्राउंड पे काम करने वाले जो आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, बीएसएफ वाले हैं, वैसे ही ऐसे छोटे छोटे प्रकार के आपके शरीर के अंदर भी अलग अलग प्रकार के मैक्रोफेजेस, टी सेल्स हैं, नॉन किलर टी सेल्स हैं, किलर टी सेल्स हैं, एक्सेट्रा 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 बहुत सारे हैं। सो अब इस पूरे कहानी में स्ट्रेस क्या करता है, जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है एंटीजन को, एबिलिटी टू फाइट ऑफ एंटीजन, एंटीजन को हराने की, वो कम हो जाती है, राइट, और हम इंफेक्शन से ज्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं। अब क्यों होता है ये? स्ट्रेस से, द स्ट्रेस हार्मोन इज कॉर्टिसोल, हमने ऑलरेडी देखा है स्ट्रेस वाले वीडियोस में। तो कॉर्टिसोल
आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, आपके बॉडी के अंदर नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स पुलिस वाले ही कम कर देता है, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स ही कम कर देता है. सो स्ट्रेस कैन हैव एक डायरेक्ट इफेक्ट और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होता है स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पे, क्योंकि एक अनहेल्दी पर्सन जो है वो उल्टी सीधी चीजें करने पे ज्यादा स्ट्रेस्ड पर्सन उल्टी सीधी चीजें भी ज्यादा कर सकता है, जैसे ड्रिंकिंग स्मोकिंग. तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, उसके ऊपर आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो रहा है, लिम्फोसाइट काउंट भी डाउन हो रहा है, बी हो जाए या टी हो जाए, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज से लड़ने एंटीजन से लड़ने की क्षमता आपकी कम हो रही है, उसमें आप जाके स्मोकिंग भी कर रहे हो, उस पे जाके आप सिगरेट भी पी रहे हो, रात रात भर सो भी रहे हो, उल्टे सीधे खा भी रहे हो, मोटे भी हो रहे हो, और फिर सर भी दर्द हो रहा है, और फिर आपको दिल की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, डायबिटीज भी हो रहा है, अस्थमा भी हो रहा है, पेट में छाले भी हो रहे हैं, खाना भी नहीं पच रहा है, उल्टियां भी आ रही हैं, अस्पताल भी पहुंच रहे हो, और फिर कह रहे हो डॉक्टर साहब हमें बचा लो. वाह. सो समझो जी, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक आपके बगैर हो नहीं पाए. बच्चा जब तक पढ़ना ना चाहे उसको पढ़ा लिखा के जबरदस्ती टीचर डॉक्टर नहीं बना सकता. सेम वे जब तक आप ठीक ना होना चाहो, ठीक ना रहना चाहो, हम एक दवाई देके आपको जिंदगी भर बिना बीमारी के क्या बोलते हैं उसको हेल्दी नहीं रख सकते, जब तक आप खुद ना समझो कि क्या हेल्दी क्या नहीं. सो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपके पेट पर भी आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी आता है. कैसे? अभी इतना हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या रिस्पॉन्स है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम टेम्परेरीली या थोड़ा बहुत स्ट्रेस के वजह से इनहिबिट हो जाता है. सो डाइजेस्टिव एक देखो ड्यूरिंग स्ट्रेस, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन तब सीक्रेट होता है जब आपको दौड़ना भागना, जब ऐसा लग रहा है कुछ जान पे खतरा है, तब बैठ के खाना पचाने नहीं लगोगे, राइट? तब ये लगेगा कि फटाफट आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, ऐसा होगा कि भागो यहां से काइंड ऑफ. तो स्ट्रेस के टाइम पे डाइजेशन स्लो हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाता है, कब्ज हो जाती है, एड्रिनलिन सिक्रीट होता है, नॉर एड्रिनलिन सिक्रीट होता है, दौड़ने का मन करता है, यहाँ वहाँ कुछ करने का मन करता है, बौखलापन आ सकता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो हैं वो डाइजेशन स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी यानी कभी कभी एंजाइम्स ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाते हैं, एंजाइम ज़्यादा होना, मूवमेंट कम होना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती है, और इसके वजह से अल्सर्स होने लगते हैं, क्योंकि एंजाइम्स हैं वहाँ वहाँ पे, और ज़्यादा एंजाइम्स अल्सर्स बना सकते हैं. सो एड्रिनलिन रिसिक्रीट होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डाइजेशन स्लो होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम बढ़ जाएंगे, गैस होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा, हार्ट की बीमारी होगी, राइट? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएंगे, और नॉर एड्रिनलिन एड्रिनलिन फ्री फैटी एसिड्स बढ़ेंगे थोड़े बहुत आपके ब्लड के, यानी आपके मोटापे से आएंगे लेकिन बढ़ेंगे, ठीक है? आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी. सो स्ट्रेस से ये तीन चीज़ें होती हैं, राइट? डाइजेशन, हार्ट और हॉर्मोन्स, ये तीन पे इफेक्ट आता है डायरेक्ट, और इससे आपके बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं. नाउ इनडायरेक्ट इफेक्ट भी आ सकता है, जो हमने बताया, स्मोकिंग, बैड हैबिट, ड्रिंकिंग, पुअर डाइट, खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करनी, नींद नहीं लेनी, ऐसी तैसी खुद की करनी, बिल्कुल जैसे किया किसने, देवदास देवडी, ठीक? सो ऑल ऑफ इट्स से आपके हेल्थ की ऐसी तैसी हो नहीं सक जाती है. एक लड़के को लड़की छोड़ के गई या ऑपोजिट वाइस वर्सा, तो वो खाना नहीं खाता, पानी नहीं खाता, डिप्रेस हो जाए, उसको क्या बीमारी है, उसको किसने मारा, उसको कौन सा वायरस है, उसको कुछ नहीं है, वो ऐसी बीमार होने लगता है. सो वो है स्ट्रेस, वो है डिप्रेशन, वो है एंजाइटी. धीरे धीरे स्ट्रेस डिप्रेशन बन जाता है, धीरे धीरे स्ट्रेस एक क्रोनिक एंजाइटी बन जाता है. तो स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम को भैया एक संभाल के आपको मैनेज करना होता है, राइट? सो याद रखिए, स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है, और इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको दुनिया भर में मिलेंगे कि स्ट्रेस से कैसे कैसे इवन ट्रीटमेंट सही से अफेक्ट नहीं करता, आपकी बीमारियां जो है, आपके जो बचने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, आपकी रिकवरी पीरियड बड़ा हो जाता है, आपको इवन अगर आप बच भी गए तो जो बची हुए, अगर मान लो लंग की बीमारी है तो लंग की कैपेसिटी कम, हार्ट की बीमारी, हार्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब परमानेंट डैमेज हो जाता है बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्ट्रेस के लिए. तो स्ट्रेस क्यों लेना भैया, स्ट्रेस क्यों लेना? क्या आप जीवन भर हेल्दी रहना चाहते हो? तो स्ट्रेस मत लो, सिंपल.
अब डॉक्टर साहब आप स्ट्रेस मतलब बोल रहे हो, पर स्ट्रेस कैसे मत लें? स्ट्रेस नहीं लेने के लिए सिंपल, सबसे अच्छे तो बहुत एक पूरा 10 मिनट और एक्स्ट्रा बोल सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन सिंपल 3 चीज़ें करनी है आपको। एक करना है डीप ब्रीदिंग, फास्ट नहीं, डीप ब्रीदिंग। एक करना है आपने मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज। अगर आप ये करते हैं, 8 घंटे की नींद लेते हैं, सही मात्रा में आहार खाते हैं, पानी खूब पीते हैं, तो भैया आपको स्ट्रेस रहेगा नहीं। आप अपने फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएं, बेसिक सबको पता है, खुश रहने की कोशिश करो, यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड। वट एवर इज हैपनिंग, वट एवर विल हैपन, लेट इट हैपन, जस्ट प्रे एंड जस्ट बी यू नो इन्जॉइंग द मोमेंट। भैया इस सिंपल एक्सप्लेनेशन को आपने समझना है और दूसरों को समझाना है। अगर आपको पसंद आए तो दूसरों को जरूर समझाएं और शेयर करते जाएं। थैंक यू सो मच।